पीछे है हमारे शिव टेम्पल टुंगनाथ, जय बाबा टुंगनाथ की। और हम लोग आ गए और हमारे नीचे पूरे बादल। ये व्यू चेक करें गाइस, ये वाला व्यू, ऐसा लग रहा है कि हम कोई बर्फ की वादी में आ चुके हैं और पूरे रास्ते में बर्फ पड़ी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ऊपर तक हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली रामवाड़ा, और हम लोगों ने वहां से जर्नी स्टार्ट कर दी 12:30 पे, और करीब 1:30 बज रहा होगा अभी मैक्सिमम। और मेरा सबसे अब तक का वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रैक रहा है ये, 1 घंटे में करीब 8 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, और 7 वाले करीब पीछे रह चुके हैं, 2 किलोमीटर पीछे होंगे, और उनको कवर करने में करीब मुझे आधा से 1 घंटा यहाँ पर बैठना पड़ेगा। और मेरे पास कैश भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल मेरा बैग गौरव भाई के पास है, गौरव भाई तो मुझसे करीब 4 संपू पीछे होंगे अभी भी। सो बैठते हैं यहाँ पर, वेट करते हैं उनका। और मैं रियल में पता है लिटरली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल टायर्ड फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को जर्नी पूरी करनी है, और मैं बिल्कुल दौड़ते हुए आया, रास्ते मुझे बोल रहे थे वही एथलीट, तो काफ़ी लोगों ने बोला, अप्रिशिएट भी किया, भाई बढ़िया है बढ़िया है। सो चलते हैं यहाँ से आगे, थोड़ा सा बैठता हूँ। और ये भी चेक करें आप लोग, मंदाकिनी का फ्लड देखिए यहाँ पे कितना तेज है, और ये वाला पुल जो है पुराना वाला पुल है और ये काफ़ी हिलता है। सो इसके बाद ऊपर चल के कुछ खाते हैं वहाँ पे, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। भाई लोगों को इंतजार भी करना है, वो करीब 1 घंटा लेट आएंगे मुझसे। सो चलते हैं यहाँ से, मुझे जल्दी आगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था मेरा अब तक का ये 1 घंटे में वहाँ से यहाँ, तो काफ़ी अच्छा रहा। सो मिलते हैं आप लोगों से आगे। पहुँच चुके हैं वैसे, गरगुना है 2-3 किलोमीटर पड़ा है, बचा हुआ भी, और साथ में दोस्त लोग हैं हमारे साथी, और कुछ लेते हैं आगे रुकते हैं। और हम लोग पहुँच चुके भैरव मंदिर में, रुमाले बाजी बहुत सारे, हम लोग रुमाल बांध जाएंगे क्या तो मन पूरी पकड़ा उसे, चलते हैं साथ। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गरगुन मार्केट में, और यहाँ से करीब हमने आधा किलोमीटर और जाना है इससे टैक्सी स्टैंड तक, और देखते हैं आगे आगे क्या प्लान बनता है। टैक्सी स्टैंड पर रुकना है सभी लोगों के लिए या सुन जाएगा रुकना है, तो जैसा भी होगा देखते हैं आगे। तब तक हम मार्केट में जा लीजिए आके। तो गाइस हम लोग रुके अभी फ्रूट चाट खाने के लिए, बिरयानी के मस्त फ्रूट चाट बनाई हुई है, हम लोग भी टेस्ट करते हैं। तो चले गए यहाँ से आगे, हम लोग आ चुके हैं गौरव कुंड से आगे, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर, तो करीब होगा 20-1। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नीचा कुल पर, और हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए गाड़ी की पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी वाड़ी लेते हैं और कुछ शॉपिंग करते हैं सोनपुर मार्केट से, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है हर चीज़, यहाँ पर तो ठीक रहती है। तो लेते हैं हमारे क्रू को, कुछ मेम्बर पहुँच भी चुके हैं, तो ऐसे चलते आगे, मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर। सो गाइस फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम हियर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, और सुबह सुबह का यहाँ पे देखिए सामने माल्टा लगे हुए हैं। सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द, और मैं आज का ब्लॉग सेम एपिसोड में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा सा अंधेरा हो गया था तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। सो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, और देख सकते हैं यहाँ का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, आगे तो धूप खिली हुई है बट यहाँ पर भी धूप नहीं आई है, तो थोड़ा सा अभी छाया छाया सा ही है। और चलते हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास में, अब तो हमको जो है हमारी कार साथ में नहीं आ रही, तो अपना लगेज भी है बाइक में कैरी करके लाना पड़ेगा। सो मनाली आ रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सोनपुर पार्किंग में, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहाँ से पार्किंग से ले ली है, और देख सकते हैं हम लोगों ने अपना बैग भी अब गाड़ी में लगेज कैरी कर लिया है। और सामने जो ग्रीन कलर का शेड है, ये है यहाँ की जो तेजुग नारायण की ग्राम प्रधान है प्रियंका योगी तिवारी जी का, और होपफुली हम उनसे मिल नहीं पाए, हम लोग को उम्मीद थी कि वो हमसे मिलेंगे बट मिल नहीं पाई। सो हम मिलते मिलते रह गए, और हम लोग वहाँ पर गए थे तो बोले थे अभी घर पे ही हैं तो नहीं मिल पाएंगे, आप अगर तेजुग नारायण जा रहे हैं तो उनके घर पे जाके मिल सकते हैं, बट अब हम किसी घर पे जाना से सही नहीं, अगर रोड पर मिल जाते तो ठीक ही था। और हम लोग पहुँच चुके हैं तेजुग नारायण टेम्पल में, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, ये जो है शिव पार्वती का विवाह स्थल है। तो चलते हैं गाइस आगे और अंदर मिलते हैं आप लोग नीचे जाके। तो गाइस आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, हम लोग अभी तेजुग नारायण में, यहाँ पे शिव पार्वती का जैसे कि आप लोग पता ही विवाह स्थल है, तो यहीं पे जो है ब्रह्मा जी ने जो है इनकी शादी करवाई थी, तो कभी यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, और ये कुंड भी है यहाँ पे, और ये ब्रह्मशिला है।
तो चलते हैं अंदर, और अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं, तो इसलिए मैं करूँगा नहीं। अब आपकी तालीम है, सिंदूर है, सिंदूर को घोल के अपने कलश में स्वास्तिक बनाओ। वैसे भी हम लोग जाने त्रिशुगुण आया मंदिर के अंदर, और हम लोग जो है गणपति जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, वो करते हैं फिर चलते हैं आगे। मैं आपको सबको करते हुए हाथ से धोलो यात्रा मंगल मध्य में भगवान त्रिशुगी नारायण विष्णु भगवान मध्य में है, उनके दाएं भाग में उनके बाएं भाग में माता सरस्वती माता जी, पीछे दीवार पर भगवान विष्णु जी की पंचायतन है, जिनमें कुबेर क्षेत्रपाल बद्रीनाथ नर नारायण है, आगे बड़ी मूर्ति है भगवान सत्यनारायण भगवान जी, उनके नीचे माता पार्वती का जोड़ा मूर्ति है वरवधू, यहाँ पर भगवान विष्णु जी है श्री पद्मनाभ जी, वो प्रेम से प्रभु नारायण से प्राप्त हमारा यात्रा मंगल और जय, आगे भगवान नारायण का भेंट दक्षिणा मक्षणा जिसकी जो भी श्रद्धा भक्ति आई आप लोग करना, भोग में देना होगा तो आप लोग रसीद भी प्राप्त करें, कबूलिए श्री सच्चिदानंद रूप भगवान की जय, त्रियोगी नारायण भगवान की जय, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पिप्पाह साधारयामि नमः, ये सब हम क्लेश नाशाय और दुख नाशाय माधवम श्री हरि पाप नाशाय जल भरम। फोटो नहीं लेना भैया अंदर का है, फोटो तो नहीं लिया, फोटो नहीं लिया, गर्भगृह का फोटो नहीं करना है, ठीक है और हम लोगों ने त्रिशुगी नारायण के दर्शन कर लिए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट मेरा गोप्रो ऑन था, उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि वीडियो तो नहीं बना रहे, मैं बोला नहीं नहीं, तो मेरी बन चुकी थी, सो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ पे ऑफ कर दिया जब उन्होंने बोला कि वीडियो मत बनाओ, सो ऐसे रहा, यहाँ के दर्शन दर्शन कर लिया हम लोगों ने। अब निकल रहे हैं सीधे टुंगनाथ के लिए, टाइप मस्त सी लोकेशन पर, ये चेक करेगा क्या मस्त झरना बह रहा है यहाँ पर, और वहाँ से वाले लोग भी निकल चुके हैं आगे, तो चलते हैं यहाँ से आगे को और मिलते हैं गुप्तकाशी में, वाइल्ड भी करवाना था हम लोगों ने। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट में, और आप लोग देख पा रहे होंगे ये जाम करीब आधा किलोमीटर पीछे से है शुरू है, और आगे तक ना जाने कितना लंबा है, और हमारे साथी लोग आगे पहुँच चुके हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचे अभी, सो देखते हैं, कोई नाश्ता वास्ता करने के लिए बोल रहे थे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है यार नाश्ता वास्ता, ये जाम फंसी पड़ी है, और ओहो ये पीछे ना लेकर आया बस वाला, घूमने को तैयार है बिल्कुल यार। गाइस हम लोग पहुँचे कुंड के पुल पे, और हम जा रहे हैं मंदाग्नि से ऊपर, और आगे वाला जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है आपका रुद्रप्रयाग की ओर, बट हम लोगों ने निकलना है चोपता चमोली और टुंगना जाना है हम लोगों ने, तो हम इस वाला रास्ते ले रहे हैं, वो वाला रास्ता जो है सीधे रुद्रप्रयाग के लिए जाता है, और निकलते हैं यहाँ से आगे। भाई लोग अभी हमारे यहाँ पर दिख रहे, शायद आगे जाके रुकूँगे कहीं दुकान वकान पर नाश्ते के लिए, तो चलते हैं उनको। चलिए अभी हम लोग पहुँचे थे एक रेस्टोरेंट में, और हम लोगों ने अपना नाश्ता ऑर्डर कर दिया, हेलो भाई जी, और सभी लोग यहाँ पर नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, अभी नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। मनीष भाई खाओ यार, अरे और ले लो चावल ले लो, अच्छा अच्छा, और रोहित और गोविंद चेक करे क्या व्यू है यार, और यहाँ पर बह रहा है सामने में एक सुंदर सा वाटरफॉल, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे, मैं आप लोगों को पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ, इतना मस्त है यार वो, क्या मस्त रोड कटी हुई, देखो पुल भी बना हुआ है सीधे, और चलते हैं यहाँ से आगे। गाइस ये चेक करें, ये चेक करें, क्या मस्त नज़ारे हैं यहाँ के, आय हाय ब्यूटी, तो चलते हैं गाइस क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा है, और भाई लोग आगे इंतजार कर रहे होंगे, तो जब करें गाइस ये चेक करें, हम लोग हैं अभी
चोपता से 5 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे क्या मस्त मस्त जगह आ रही है और मस्त मस्त कैंप साइट्स हैं। और भाई लोग तो यहाँ भी नहीं दिख रहे, शायद आगे चले गए हैं। और देख सकते हैं आप लोग क्या मस्त है यार जंगल यहाँ का। और निकलते हैं यहाँ से, देर हो रही है थोड़ा सा, मिलता हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस फाइनली वी आर इज इन चोपता, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है उतनी दूर वहाँ से। हम लोगों ने ऊपर करके ट्रैक करके जाना है, और गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी है। और आज हम लोग जाने वाले हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल पे। और पैरों की हालत आप लोग देख पा रहे होंगे, चला भी नहीं जा रहा ढंग से अभी, क्योंकि गाड़ी चला के एकदम से आ रहा हूँ तो नहीं चला जा रहा है। सो चलते हैं मार्केट में और प्रसाद उरसाद देखते हैं, यहीं से लेते हैं यानी ऊपर से। और बैग भी रखने हम लोगों ने, सो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर सर्वाइव कर पाना, देखते हैं क्या होता है आगे, मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँचे थे चोपता में, और हम लोग अपना लगेज कैरी नहीं कर रहे ऊपर के लिए। सो यहाँ पे पवन भाई मिले हमें, पवन भाई ने बोला कि हमारी दुकान में रख सकते हैं। सो हम लोगों ने अपना लगेज यहाँ पर रखवा दिया, इसमें देखते हैं कुछ निकालने का है या नहीं। तो देख सिंगल बैग लेके चल रहे, ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, जैकेट वगैरह रख लें एक्स्ट्रा, सही है ना। और चलते मेरे ग्लव्स ले लो आप, और चलते हैं यहाँ से आगे। लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है रघुनाथ का, और देखते हैं हम लोग कितनी देर में पहुंच पाते हैं। अभी करीब 1:30-2 के बीच का टाइम हो रहा है, और हम लोग देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं ऊपर। और ट्रैक आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और यहाँ की मार्केट है, तो देखते हैं आगे जाके कितना ऊपर तक जाना पड़ता है। ये चेक करें गाइस, हम लोग चढ़ रहे हैं टुंगनाथ की चढ़ाई, करीब 1/2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। सामने आके ये व्यू मिला तो मन खुश हो गया, सामने पूरा हिमालय दिख रहा है। चलते हैं आगे और अच्छे व्यू मिलेंगे आगे। तो हमारे महादेव, और यहाँ का व्यू देखिए, मतलब काबिले तारीफ यार। हम लोग आ रहे हैं वो नीचे से, और अभी जाना है और आगे, देखते हैं कितना ऊपर और यार, ऊपर क्या फॉग उठ रही है। ये चेक करें गाइस, यहाँ से नीचे पूरा जो खाई है, और यहाँ से उठ रही धुंध, और नीचे का वेदर चेक करें। अभी हम लोगों ने इतना ऊपर जाना है, उससे भी अभी 2 किलोमीटर और बचा है, सेम चढ़ाई है। चेक करें गाइस, भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें खड़ा है यहाँ पे। अरे बाबा गाइस ये चेक कर रहे हैं, ये हम लोग हैं अभी बादलों के ऊपर। आज मैं ऊपर आसमान नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा बादलों से घिरा हुआ, पता नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई ग्रीन डिस्प्ले के आगे खड़ा हूँ। और ये देखिए पीछे का व्यू, नीचे कुछ भी है दिखाई नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस सामने नीचे पूरा रास्ता है, और पूरा जो है धुंध से भर चुका है। और मेरे पीछे का चेक करें, और हम खड़े हैं इस पहाड़ी के ऊपर, और इसके पीछे पूरी गहरी खाई है, और मज़ा ही आ गया। अभी टुंगनाथ बचा है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस अभी हम लोग पहुँचे अक्षकुंड पे, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है अभी, और चल रहे हैं यहाँ से आगे, और काफ़ी थक चुके हैं, से निकलते हैं आगे। और आगे मौसम भी पूरा पैक हो चुका था, बट अभी सही हो गया फिर से, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस फूल रही है, तो जल्द से जल्द निकलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं टुंगनाथ टेम्पल में, और आप लोग देख पा रहे होंगे मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। ये देखिए गाइस टुंगनाथ टेम्पल, और यहाँ कर पा रहे होंगे सामने, यह जय बाबा टुंगनाथ। और पहले अपने ग्रुप के मेम्बर्स को देखते हैं कोई कहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं अभी हम लोग हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल पे, जैसा व्यू है यहाँ पर। हमारे दोस्त लड़के भी पता नहीं किधर है, उनको देखते पहले। सो गाइस जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग पहुँच चुके हैं टुंगनाथ मंदिर में, और हम लोग यहाँ पे दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी हैं, यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। और अंदर तो उन्होंने बिल्कुल, मैं अकेले भी गया था, मेरे पड़ोसी को बोला कि फ़ोटो ले लो, बोले नहीं बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जो शिव जी के बीच का हृदय का हिस्सा है, वो भी जो टुंगनाथ में निकला था, तभी यहाँ पे जो है टुंगनाथ टेम्पल बनाया गया। और ये भी एक पंच के तारों में से एक है, और करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं चोपता से, और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल है ये, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। ये चेक कर रहे हो गाइस, पीछे है हमारे शिव टेम्पल टुंगनाथ, जय बाबा टुंगनाथ की। और हम लोग आ गए, और हमारे नीचे पूरे बादल,
गाइस वहाँ बैठे हमारे महादेव और वहाँ से हम लोग आ गए नीचे और नीचे आए पीते चाय देखते हैं और ये चेक कर रहे हो गाइस ये अभी हम लोग हैं इस मस्त सी लोकेशन पर। जब मैं आया था तो यहाँ पर पूरा धुंध जमी हुई थी और आप लोग देख सकते हैं। भाई बोलता है तुम्हें हाइट फोबिया है क्या, इस हाइट में तो अच्छे अच्छों को हाइट फोबिया हो जाए। तो भाई पूछ रहे हैं तुम्हें हाइट फोबिया है और हम लोग खड़े कहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो नीचे यहाँ से ट्रैक जा रहा है ये तुंगनाथ किला और सामने बादलों के बिल्कुल क्लाउड बने हुए मस्त वाले और सामने का भी देखिए क्या मस्ती आ रहा है। और गाइस GoPro की बैटरी भी लो होने वाली तो मैं बैटरी चेंज करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं नीचे चोपता मार्केट में और आप लोग देख सकते हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में जो ये जानकारी है मैं थोड़ा सा इसको 30 सेकंड के रोक लूँगा, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको कर सकते देख सकते हैं। और नीचे तुंगनाथ मार्केट काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है अभी और हम जस्ट पहुँचे हैं, अपना बैग वैग लेते हैं गाड़ी उठाते हैं और हमने जाना है चमोली से भी आगे। सो गैंग के मेम्बर हमारे कहाँ उनको देखते हैं फिर चलते हैं ऐसे आगे। बोलो तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे चमोली में और हम लोग ने हेवी रूम ले लिया है और रूम में फ्रेश अप होकर आ चुके हैं। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर डिनर करते हैं और डिनर इंजॉय करते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से खाने के समय में और चलते हैं आगे रेस्टोरेंट में ऊपर। तो गाइस फाइनली हम लोगों का खाना आ चुका है और हम लोग खाने इंजॉय कर मनीष भाई थोड़ा आराम से यार खाने इंजॉय करते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से रूम पर सीधे।